यहाँ पर पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी और पटना यूनिवर्सिटी के द्वारा बहुत ही बड़ी अपडेट आई है जो कि आप सभी के लिए जानना बहुत ही जरूरी है। तो आप वीडियो पर बने रहें, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है दोनों यूनिवर्सिटियों के लिए। तो आप वीडियो बने रहे, अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि पीयू और पीपीयू के अंतिम सप्ताह से होगी परीक्षाएं। तो यहाँ पर क्या हेडिंग में दिया गया है कि पीयू और पीपीयू के अंतिम सप्ताह से हो सकती है आप सभी की परीक्षाएं, और इसको पूरे विस्तार से आप सभी के लिए बताया गया है। तो आप वीडियो बने रहे। यहाँ पर बताया गया है कोरोना संक्रमण के कारण पटना विश्वविद्यालय और पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय सभी विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र नियमित नहीं है। सभी को आप सभी को पता है कि सभी का शैक्षणिक सत्र कोरोना के कारण इधर उधर हो गया है। और उसके बाद बताया जा रहा है कि पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय का सत्र पहले से ही लेट चल रहा है। तो पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय का आप सभी को पता है कि सत्र पहले से ही लेट चल रहा है, इसे सुधार करने की बहुत सारा जरूरत है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि ऐसे में अब दोनों विश्वविद्यालय की परीक्षा फॉर्म भरने का कामयाब शुरू हो गई है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि दोनों विश्वविद्यालय की ओर से विभिन्न पाठ्यक्रम की परीक्षा पत्र भरवाए जा रहे हैं। ऐसे में छात्रों की परीक्षा के लिए तैयारी करने की जरूरत है। यहाँ पर छात्रों के लिए भी निर्देश दिया गया है कि आप सभी को तैयारी करने की जरूरत आ गई है। अब यहाँ पर और देखिए, यहाँ पर बताया जा रहा है कि विश्वविद्यालय के अधिकारियों के अनुसार दोनों विश्वविद्यालय परीक्षा जुलाई के अंतिम सप्ताह या अगस्त के आरंभ से ही शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर ब्रेकिंग न्यूज आप सभी को निकल कर आ रही है कि दोनों विश्वविद्यालय की परीक्षा, ये चाहे वो सेशन 2018 से 21 हो या 19 से 22 हो, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का सभी का आप सभी का एग्जाम जुलाई के अंतिम सप्ताह या अगस्त के आरंभ सप्ताह में ही आप सभी का परीक्षा शुरू हो जाएगी। यानी आप सभी का पार्ट थर्ड जिसका 18 से 21 सेशन है पार्ट थर्ड वाला, उस सभी का भी यहाँ पे एग्जाम होना शुरू हो सकता है। और उसके बाद यहाँ पटना विश्वविद्यालय के द्वारा बताया जा रहा है कि पटना विश्वविद्यालय के स्नातक पार्ट थर्ड की परीक्षा पत्र ऑनलाइन रूप से 17 जुलाई तक भरे जाएंगे। यहाँ पर पटना विश्वविद्यालय का यहाँ पर पार्ट थर्ड का परीक्षा पत्र ऑनलाइन 17 जुलाई से भरे जाएंगे। यहाँ पर दिया गया अनिल कुमार ने बताया कि 17 जुलाई से स्नातक के पार्ट थर्ड की परीक्षा भरी जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर जो इसके बाद जुलाई के अंतिम अगस्त से प्रथम सप्ताह से परीक्षा लेने की यहाँ पर संभावना बताई जा रही है। चलिए यहाँ पर देखिए पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के द्वारा क्या कहा जा रहा है कि पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के परीक्षक नियंत्रक जो कि डॉक्टर महेश मंडल हैं, उन्होंने बताया कि विभिन्न पाठ्यक्रमों की परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि सोमवार को निर्धारित की जाएगी। तो आप सभी को जो भी परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि है वो सोमवार को निर्धारित कर दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यानी आज ही के डेट में निर्धारित कर दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि 9 जुलाई से स्नातक पार्ट वन की परीक्षा फॉर्म भरना संभव है। यानी 9 जुलाई से स्नातक जितने भी पार्ट वन वाले छात्र हैं उन सभी का यहाँ पर फॉर्म भरना संभावित यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चलिए इसके बाद पीजी के प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर का यहाँ पर 26 जुलाई से बीएड लॉ परीक्षाएं की तैयारी भी की जा सकती है। चलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि कोरोना के कारण सरकार ने अभी किसी प्रकार की परीक्षा लेने की अनुमति नहीं मिली है। तो कोरोना के कारण सरकार के द्वारा अभी किसी भी प्रकार की परीक्षा लेने की अनुमति नहीं दी गई है। अगला यहाँ पर बताया जा रहा है कि 6 जुलाई तक सरकार की ओर से कोरोना की समीक्षा करने के बाद सभी विश्वविद्यालय और संस्थानों को परीक्षा लेने की अनुमति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। देखिए यहाँ पर कोरोना का कहर थोड़ा सा कम हुआ है, इसके कारण बहुत उम्मीद जताई जा रही है कि आप सभी का एग्जाम लेने की यहाँ पर तैयारी की जा रही है। और विश्वविद्यालय के द्वारा यहाँ पर साफ साफ बताया भी जा रहा है कि आप सभी का उम्मीद बहुत ही जताई जा रही है, 6 के बाद से आप सभी का सभी विश्वविद्यालय खोलने की यहाँ पर संभावना जताई जा रही है। तो यही आप सभी के लिए अपडेट है कि जुलाई का परीक्षा आप सभी के जुलाई के अंतिम सप्ताह या अगस्त के प्रथम सप्ताह तक सभी परीक्षा का यहाँ पर घोषणा कर दी जाएगी और सभी परीक्षाएं शायद हो भी सकती है। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके मन में कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन हो तो वीडियो कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं या न्यूज़पेपर जागरण यहाँ पर दैनिक जागरण का न्यूज़पेपर है तो आप वहाँ से भी आप ले सकते हैं, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम या इंस्टाग्राम का या व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, वहाँ पर आप मैसेज करके इस पेपर का आप कट ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।